वायलेंस 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 गाइज, इस मूवी में इतना ज़्यादा वायलेंस है कि थिएटर के स्पीकर साइलेंस हो गए, बट मूवी का वायलेंस ख़त्म नहीं होता। एंड गाइज यकीन मानिए, इस मूवी में इतनी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं, एंड गाइज मुझे ऐसा नहीं लगता अब तक किसी भी इंडियन एक्शन मूवी में चली होंगी। तो देखो गुरु, जहाँ फर्स्ट पार्ट में रॉकी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इसके सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं पॉलिटिकल चीज़ें, कुछ अधीरा की चीज़ें एंड कुछ KGF के मजदूरों की प्रॉब्लम, एंड उसके साथ साथ हमें देखने को मिलती है थोड़ी बहुत इमोशनल चीज़, यानी कि रॉकी के पास्ट की भी चीज़ें, जो कि काफ़ी डिटेलिंग से दिखाई गई है KGF चैप्टर 2 में। एंड गाइस, प्रशांत नील ने इस फिल्म के क्लाइमेक्स पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग से काम किया, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपको हैरान कर देगा। एंड गाइस, इस फिल्म का क्लाइमेक्स का फाइट सीन जो कि आपको एक रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि इस मूवी के फाइट सीन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर हैं। तो देखो गुरु, इस मूवी का जो मेन टॉपिक है ना, वो है प्रॉमिस। क्या रॉकी अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर पाता है? क्या प्राइम मिनिस्टर रॉकी को मार देती है? क्या रॉकी अधीरा से KGF के लोगों को आज़ाद करा पाता है? ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा थिएटर। अपने बिजी शेड्यूल से निकालिए 2.5 घंटे का टाइम, क्योंकि ऐसी मूवी इंडिया में कम रिलीज़ होती है। एंड गाइज, ऐसी मूवी का देखने का मज़ा थिएटर में ही आता है। तो गाइज प्लीज़ इस मूवी को देखिए, देखकर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।